हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर के समीप दत्तनगर मिल्क फेड के दूध प्रसंद इकाई के बाहर 3 जिलों के 7 खंडों से आए दूध उत्पादकों ने धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले दत्तनगर नेशनल हाईवे पर लोग एकत्रित हुए और रैली की शक्ल में मिल्क प्लांट पर जाकर धरना दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मिल्क फेड करीब 1.5 लाख लीटर दूध लेता है, जिसमें 50,000 दत्तनगर में ही एकत्रित होता है। ऐसे में प्रदेश में सबसे अधिक दूध उत्पादक क्षेत्र के लोगों की अनदेखी क्यों हो रही है? प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम मिल्कफेड पर गंभीर आरोप लगाते हुए दूध उत्पादकों ने कहा कि उनका मिल्कफेड शोषण कर रही है। उन्होंने बताया कि बाजार में बोतल बंद पानी 20 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से मिल्कफेड किसानों से 16 से 22 रुपए लीटर दूध ले रहा है, जबकि किसानों को दूध उत्पादन में 30 रुपए प्रति लीटर से अधिक की लागत आ रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दूध एकत्रीकरण केंद्रों में दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए संयंत्र न होने से दूध उत्पादकों को दूध पतला बताकर दूध के मनमाने दाम भी लिए जा रहे हैं। उन्होंने गुणवत्ता जांचने के लिए उपकरण हर केंद्र में देने की मांग उठाई। इसी तरह उन्होंने आरोप लगाया कि पशु औषधालय और केंद्रों में ना तो गुणवत्तापूर्ण दवाइयां हैं और ना ही स्टाफ है, इससे दूध उत्पादकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता व ठियोग के विधायक राकेश सिंघा समेत किसान सभा के नेताओं ने कहा कि एक ओर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी ओर किसान स्वयं आजीविका के संसाधन तैयार कर रहा है। उन्होंने सरकार से सहायता करने की बजाय उन्हें शोषित करने के आरोप लगाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश में बाहर से मिलावटी दूध आ रहा है, जिसमें कई प्रकार के रसायनों से दूध तैयार होता है। सरकार प्रदेश सीमा पर ऐसे संयंत्र स्थापित करे जिससे हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण और सही दूध आए। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने बताया कि दत्तनगर में जो प्रदर्शन किया गया उसके मुख्य कारण दूध उत्पादकों का शोषण है। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादक आज हिमाचल का सबसे गरीब है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दूध उत्पादक लंबे समय से अपनी मांग उठा रहा है और दूध की दरें बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। वहीं किसान नेता देवकी नंदन ने बताया कि दत्तनगर में दूध उत्पादकों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें 3 जिलों के 7 खंडों के दूध उत्पादकों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि गांव के अंदर जो दूध बिक रहा है वो लागत मूल्य से भी काफी कम दाम पर मिल्कफेड के माध्यम से लिया जा रहा है, इससे किसानों की आर्थिक दिशा भी बिगड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि हालात ये है कि दूध सस्ता और बोतल बंद पानी महंगा हो गया है। वहीं दूध उत्पादक कमला देवी ने बताया कि हमारे को दूध का दाम बिल्कुल कम मिल रहा है। सरकारी संयुक्त उपकरण मिल्कफेड के अधिकारियों को पता नहीं है कि दूध उत्पादकों को कितनी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि सुबह गाय के गोबर निकालने से लेकर कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दूध के दाम उन्हें कम दिए जा रहे हैं। ज्वालामुखी देहरा सड़क पर बोहन चौक के पास सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार उसकी पहचान विपिन कुमार 33 वर्ष के रूप में हुई है, जो ज्वालामुखी में एक केबल कंपनी में कार्यरत था। जानकारी के अनुसार विपिन कुमार देहरा की ओर जा रहा था कि रात को करीब 9 बजे फोन के जरिए सूचना मिली कि बोहन चौक में आगे से एक एक्सीडेंट हो गया है। एक निजी बस सर्विस देहरा फ्रेंड्स जिससे मोटरबाइक टकराया था। मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी को बाउंड किया गया है और ड्राइवर को भी हिरासत में लेकर उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। मृतक की बाइक का नंबर HP39B5831 है, जो कि टक्कर के बाद उसकी मौत हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मनोहर चौधरी, ASI विजय कुमार और मुख्य आरक्षी यशपाल घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शियों के बयान भी दर्ज किए। थाना प्रभारी के अनुसार पुलिस मामले की जांच कर रही है व शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया गया है। DSP ज्वालामुखी तिलकराज ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस हादसे की जांच कर रही है।
थाना प्रभारी मनोहर चौधरी ने ज्वालामुखी के बोहन में हुए हादसे को लेकर एनएच प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही इस हादसे के लिए उन्होंने उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। आरोप है कि एनएच पे पड़े बड़े बड़े गड्ढे हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं और आए दिन कोई न कोई व्यक्ति अन्य खड्डों की चपेट में आने से घायल या उसकी मौत हो जा रही है। थाना प्रभारी ने हैरानी जताते हुए कहा कि इस मामले को लेकर वे खुद डीएसपी के माध्यम से एनएच प्रशासन से मांग कर चुके हैं कि इन खड्डों की जल्द मरम्मत की जाए, लेकिन अभी तक हालात सड़कों के जस के तस बने हुए हैं। उन्होंने इस हादसे के लिए एनएच को जिम्मेदार ठहराया।